नफ़रत एक बहुत पावरफुल इमोशन है। मुझे ऐसा लगता है कि नफ़रत जब आप दिल में रखते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा हर्ट करते हैं बजाय कि आप अपने दुश्मन को जिससे आप नफ़रत करते हैं। जैसे प्यार इंसान एक्सपीरियंस करता है ज़िंदगी में, उसी तरह नफ़रत भी एक्सपीरियंस करता है। नफ़रत में यह है कि बस एक आग लग जाती है आपके अंदर कि जिससे नफ़रत होती है आप उसका नुकसान करना चाहते हो, लेकिन नफ़रत दिल में रखने वाला ख़ुद भी जलता रहता है, ये मेरा यकीन है। ये सबक मुझे बस एक शेर से हासिल हुआ जिसमें मैं बड़ा यकीन रखता हूँ। वो कुछ लाइनें, कुछ शेर हैं जिनके शायर हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। सब बताता हूँ, बल्कि बताता क्या हूँ, आपको सफ़र पे ले चलता हूँ अपने साथ। चलो चलते हैं दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तरफ। मैं बहुत सूफ़ी होने लगा हूँ यहाँ आके, ये मेरे पे एक वजद तारी हो गए और मैं सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ रहा हूँ। अच्छा छोड़ रहे हो? हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ रहा हूँ और साइड में जाके बस अल्लाह अल्लाह करूँगा। शादी से पहले क्यों नहीं आए फिर यहाँ पे? शादी से पहले ज़रूरत नहीं थी ना, शादी के बाद ज़रूरत हुई है कि मैं अपना माइंड रिलैक्स करूँ। अच्छा, इसकी सिंधी मेरी सिंधी बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी है उत्तरादी, इनकी पता नहीं पश्चिमी। मुर्गी कौन सी है? उत्तरादी और दूसरी लाड़ी। लाड़ी तो हमारी सिंधी में एक टंग ट्विस्टर है, वो तुम करके दिखाओ। हाँ, वो इजी होगा। अशी मशी पुशु शराय भरी हुई। अशी मशी पुशु शराय भरी हुई। ओ यार, तो जीत गई यार। रेनाउंड सूफी सेंट ऑफ सिंध हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिसको लखीनो लतीफ़ भी कहते हैं। जिस शेर ने मेरी ज़िंदगी बदली, वो शेर मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। वो है कि पाए कान कमान में मियां मार ममू, मुंह में आहीं तू मता तुझोई तो खे लगे। कमान में तीर डाल के मेरी तरफ मत चला भाई, क्योंकि मुझ में तू बसता है, ऐसा ना हो कि तेरा तीर तुझे ही लग जाए। बिल्कुल ऐसी बात मैंने एक फिल्म में भी सुनी थी कि जब आप पिस्टल का ट्रिगर चलाते हैं तो दो इंसान कत्ल होते हैं, एक सामने वाला और एक ट्रिगर चलाने वाले के अंदर का इंसान। बस ये शेर बड़ा हावी रहता है मेरे दिल में। जब भी किसी के लिए जेलसी का अंदर से फैक्टर आता है मेरे दिल में, या कहीं नफ़रत जगने लग जाती है, तो ये शेर ज़रूर याद करता हूँ कि इससे तो मैं खुद ही को मार रहा हूँ, जला रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं, तो पीछे हट जाता हूँ। हम कुछ ढूंढ रहे हैं जो हम ले सकें यहाँ पे, सुविनियर कोई ढूंढ रहे हैं। क्या ले बेगम? सुल्फी ले ले। सुल्फी? हाँ। दम लगाएंगे? दम 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 दम। सही, मस्त मगन हो जाएंगे। मस्त मगन हो जाएंगे। ठीक है, डन है। डन हो गया भाई। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे अनु कश कश ले रहे हैं। कुछ लेना है? ऐसे ही बस चुगल कर रही हो तुम? अबे नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, हम कुछ ना वो पकड़ लेते हैं कुछ। हाँ, इस तरह की चीज़, ऐसी कोई चीज़ पकड़ लेते हैं जिसमें ना हम घर में पड़ी होगी ना, फैंसी घर में पड़ी होगी, बॉल शोल ऐसा कोई मिट्टी का, वो हमें याद दिलाता रहेगा कि हम डाउन टू अर्थ लोग हैं, समझ रही हो? ऐसा भी पकड़ लेते हैं। उनके कलाम बहुत आपने सुने होंगे, मैडम आबिदा परवीन के थ्रू, सनम मारवी के थ्रू, और भी सूफी सिंगर्स के थ्रू ज़रूर सुने होंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ऐसे कई सारे शेर हैं जो शाह जो रिसालों में कंपाइल्ड हैं। शाह जो रिसालो इज़ बेसिकली द बुक ऑफ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिसमें सारे ये शेर लिखे हुए हैं। जिस तरह पंजाब के सूफी सिंगर हैं बुल्ले शाह, और बहुत सारी जगहों पर बहुत कलामों में मैंने उनका जिक्र सुना है, इसी तरह सिंध के सूफी सिंगर हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। एक मध्यम मौसीकी हमेशा उनके दरगाह पे चलती रहती है, जिसको सुनो तो आपके ऊपर एक फ़कीरी सी कैफियत तारी हो जाती है। लाहौर में मैं 5 साल रहा हूँ, आई हैव लिव्ड इन पंजाब फॉर 5 ईयर्स, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बहुत सारा टाइम मेरा गुजरा है। एक चीज़ मैं अपने पंजाब के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बाकी लोगों ने अपनी नेटिव लैंग्वेज को कबूल किया है, जैसे उनसे प्यार किया है, उस तरह आप में थोड़ी कमी नज़र आई है मुझे।
वहाँ ऐसा है कि अगर आप अपने अब्बा से पंजाबी में बात करते हो तो इनफॉर्मल माना जाता है, बच्चों को रोका जाता है पंजाबी च गल ना कर, पेंडू लगता है। क्यों? आप सिखों को देखो किस तरह ओन करते हैं अपनी लैंग्वेज को। आप और कोई भी कल्चर देख लो, सिंधी देख लो, हर कल्चर में अपनी नेटिव लैंग्वेज को इज्जत दी गई है, तो उससे प्यार करो। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैंने बस ये फ़र्क पाया है, क्योंकि हर कल्चर खूबसूरत होता है, उसकी अपनी अपनी खूबसूरती होती है। और ये कल्चर्स जो होते हैं ये आपको ग्रुप्स में तोड़ने के लिए नहीं होते कि आप अपने ग्रुप में बैठ जाओ और दूसरों से नफरत करने लग जाओ कि हम उनसे बेहतर हैं। ये फ़क्त आपकी शनाख्त के लिए, आपको पहचानने के लिए, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, इस गली में जाके, इसमें जाके, इधर उधर जाके, फलां घर ये वो, उसी तरह ये सारे ट्रेड्स आपके, सारे ये कल्चरल डिफरेंसेस आपकी शनाख्त के लिए है सिर्फ। और पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड टू हैव कल्चरल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमेशा एक सिस्टम को मजबूत रखती है, ये मेरा मानना है, ये मेरा क्या मानना है, दिस इज़ द फैक्ट। बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर्स की वजह से मुख्तलिफ रंग है। तो इट्स अ कलरफुल कंट्री। आई बिलीव वी शुड लव इट, रिस्पेक्ट इट, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स, वी शुड लव ऑल द कल्चर्स। मैं अपनी शादी पे, मैं सिंधी हूँ, मैं अपनी शादी पे बलोच टर्बन पहना था, बिकॉज आई लव दैट। मुझे भंगड़ा बहुत अच्छा लगता है, जो एनर्जी उस डांस में लगती है, मज़ा आता है। मुझे तो लगता है मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, इट्स ब्यूटिफुल। आप अपने आप को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करके नफरतें करने ना लग जाओ। ये वीडियो ख़ास मैंने इस मैसेज के लिए ही बनाई है कि ऑन करो अपनी चीज़ को, अपने कल्चर्स को ऑन करो, उसमें रंग है, उनसे खेलो, मज़े लो। शायद थोड़ी सीरियस हो गई वीडियो, लेकिन थी ऐसी सूफियाना सी, फ़कीरी सी वीडियो, मुझे रखना ही उसको इस तरह से था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड तो जाओ असल में लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। Oh.